हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और हम अभी हैं एलटीटी ब्रिज पर और जा रहे हैं कहाँ, तिलक नगर। आज हमारा जो प्रोग्राम है वहीं का है और देखते हैं आज का प्रोग्राम में क्या है, क्योंकि आज का ग्रैंड रिहर्सल कल प्ले होने वाला है और इसके बाद फिर निकलूँगा मैं, बताऊँगा कहाँ कहाँ मैं जा रहा हूँ। अभी मैं इस ब्रिज पर था ऊपर में, 8:39 AM का रिहर्सल का टाइमिंग है, 8:39 AM का कॉल टाइम है। हम टाइम पर पहुंच जाएंगे क्योंकि मैं लगभग वहाँ पहुंच चुका हूं। देखिए कितना सुनसान है अभी, मतलब कोई है नहीं, दिख नहीं रास्ते में। बाकी लोग इधर सब रिहर्सल प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। सुबह सुबह का माहौल है, बहुत ही मस्त इलाका, आप देख सकते हैं। तो अब हम लोग रिहर्सल में पहुँच चुके हैं। ये देखिए किताब पढ़ रहा है और ये हमारी अपूर्वा मैडम घूम रही हैं, बाकी लोग कुछ लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। ये हमारे पंकज सर हैं जो यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं अपने कैरेक्टर के साथ में। ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं और ये भाई साहब पढ़ रहे हैं मधुशाला, हरवंश राय बच्चन। फाइनली गाइस रिहर्सल खत्म हो गया, अब जा रहा हूँ हॉस्पिटल, एक रिपोर्ट लेना है और ये लोग पीछे रिपोर्ट लेकर सीधा जाऊँगा रूम पर। आप देख सकते हैं कितना भीड़ है यहाँ पर। गाइस अभी आए थे यहाँ पर राजावाड़ी हॉस्पिटल में रिपोर्ट लेने के लिए। ये लोग बदतमीजी से बात करते हैं, सरकारी हॉस्पिटल को ना अपना बाप का जागीर समझ कर रखते हैं। बताइए, मैं 8 तारीख से घूम रहा हूँ, 8 को आया, 9 को आया, 10 को आया, फिर मंडे को उन्होंने बोला मैं मंडे को आया, लेकिन सुने ही नहीं। अगर कुछ बोलो तो सीधा सीधा चढ़ जाते, बोलते तुम्हारा गुलाम है। बताओ ऐसा कोई बोलता है क्या यार, सही नहीं है। देखो कैसी हरकतें कर रही है, अंदर से बात करती है। इसने खुद बोला था मंडे को आने के लिए, इसलिए मैं मंडे को आया, अपना काम छोड़ के मैं आया हूँ। उसका सीनियर का कॉल आया था, वो बोल रहे थे लंच टाइम नहीं मिलता, वो सुबह से खाना नहीं खाए हुए हैं। सुनिए क्या बोल रही हैं। अब मैं बताऊँ, BMC का स्टाफ को ना लंच टाइम के नाम पर 2 घंटा चापते हैं और 2 घंटा में 1 घंटा सिर्फ रील चलाते हैं रील, और फिर बोलते हैं हाँ मैं आता हूँ। बताइए इनको, बताइए। सो फाइनली गाइज घर पे आ गए, सुबह का निकला शाम को घर पे आ गया। उनका फ़ोन फिर से आया था, वीडियो पोस्ट ना करो। देखिए मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि मुझे आपके वीडियो पोस्ट करने से क्या मिलेगा,
मैं किसी को क्यों बदनाम करूँ भाई, मुझे वायरल नहीं करना। वीडियो भी पड़े हुए हैं लेकिन मैं पोस्ट नहीं करूँगा। उनकी रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है लेकिन पोस्ट नहीं करूँगा। मुझे रिपोर्ट चाहिए। आप देख सकते हैं 8 तारीख का पर्चा है, उन्होंने 3-4 बार भगाया, समझिए। डॉक्टर डेट देते हैं आ जाओ रिपोर्ट लेकर के, अभी रिपोर्ट देते ही नहीं। तो अगर पेशेंट को कुछ होता है तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? बस यही मेरा कहना था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे, सब्सक्राइब कर दे प्लीज़। और